जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। बाबा जी की जय। बोले बाबा जी। हाँ जी सर। सर जी, मैं उत्तराखंड से बोल रहा था, हरिद्वार से। हाँ जी। जी हम ये आपके साथ यात्रा करने गई। अच्छा जी। हाँ तो सर जी, इसके बारे में, बस के बारे में बता देते हैं। आपने परमिट बनवा लिया अपना? हाँ जी, परमिट बनवा लिया। और 2 तारीख का पहलगांव रूट से? हाँ जी, हाँ जी, पहलगांव। अच्छा, आप क्या जानकारी चाहते हैं आप? यही कि बस में कितना खर्चा आता है सर? मैंने डाली थी कल वीडियो, डाली थी, आप देखते नहीं है क्या सर? नहीं सर, देख रखी है, पिछले साल ही बता देते ना आप। नहीं, कल फिर डाली है, मैंने यात्री ने पूछा था। कोई बात नहीं, आपको दोबारा बता देते हैं। जी, बस वाले ने हमें बस के रेट दे दिए हैं, लेकिन बस के रेट ज्यादा दिए हैं इस बार, तो हम उस पर बार्गेनिंग कर रहे हैं अभी ना। जितना कम कराया जाएगा जी, उतना कम करा के दूसरे ट्रैवलर वाले से बात कर रहे हैं, ताकि जहाँ कम मिलेगा उसकी बात करेंगे। ठीक है। दिक्कत यह है कि अभी हमारे जो कम से कम 40% यात्री ऐसे बचे हुए जिनका परमिट और मेडिकल नहीं बन पाया है। जी। तो जब परमिट और मेडिकल नहीं बन पाया, तो इस टाइम पे हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम पहले उनके मेडिकल और परमिट बनवाए। जी। बस तो बाद में हो जाएगी। जी। तो मेरी अभी आपसे यही विनती है कि आप कम से कम 10-15 दिन वेट कर लें। जैसे ही मेरी बस वाले से पेमेंट की फाइनल हो जाएगी, तो मैं आपको अकाउंट नंबर वगैरह और कैसे कैसे प्रोसेस है वो मैंने पूरा वीडियो में बताया हुआ है, उसमें आपको समझ आ जाएगा। जी, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है प्रभु जी, थोड़ा संयम बनाए रखें, क्योंकि तो बाकी सबका हो जाएगा ना। लमसम ये मान के चलिए, ज्यादा नहीं तो 3-3.5 हजार रुपए बैठेगा। बाकी फिर भी मैं आपको एक बार कन्फर्म जो होगा ना रेट, लमसम बता दूंगा। ठीक है, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कि हम कैसे कैसे प्लानिंग करेंगे, क्या है, वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। जय बोले बाबा जी की। जय बोले बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।